अगेन ये स्विच मोबिलिटी की ईवी IV7 ई बस है, दैट इज इलेक्ट्रिक बस। और अगर इसके स्पेसिफिकेशन की बात करेंगे तो इसकी मोटर की कैपेसिटी है पीक पावर 235 किलोवाट। क्रूजिंग स्पीड इसकी 140 किलोवाट्स की है और इंस्टेंटेनियस पीक टॉर्क इसकी है 210 न्यूटन मीटर की। और पहले हम लोगों ने देखा था कॉमर्शियल सेगमेंट की इलेक्ट्रिक व्हीकल स्विच मोबिलिटी की, ये आपकी है कॉमर्शियल पैसेंजर व्हीकल के लिए इसे डिज़ाइन किया गया है बेसिकली। नेक्स्ट जो व्हीकल है वो भी आपकी पैसेंजर सेगमेंट की इलेक्ट्रिक बस ही है जो कि स्विच मोबिलिटी की है, ये है आपकी EIV22। इसके स्पेसिफिकेशंस की अगर बात करें तो इसमें भी आपका परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर ही यूज़ हो रहा है, ठीक इसी ई बस की तरह जो कि आपका EIV7। दोनों में ही परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर है और पावर कैपेसिटी भी इसकी सेम है, 235 किलोवाट्स आपकी है पीक पावर और क्रूजिंग स्पीड में जो पावर है वो है आपकी 140 किलोवाट्स। बट ये आपकी सिंगल डेकर की बस है और ये अगर आप ऊपर देखेंगे तो ये डबल डेकर बस है। और दोनों में ही अगर बैटरी की हम लोग बात करें तो वो आपकी लिथियम आयन NMC डेट इज़ निकल मैग्नीज कोबाल्ट ऑक्साइड जो है वो आपकी बैटरी पैक में यूज़ हुई है केमिस्ट्री जो है। तो ये आपकी दोनों ही पैसेंजर सेगमेंट की इलेक्ट्रिक बस की बात हो गई।